और अब बात करते हैं लुधियाना की। जी हां, कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में बम धमाका हुआ और इसमें अहम जानकारी इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसियों को मौके से हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव मिला है। वहीं जिस युवक पर इस धमाके को करने का शक है, उसके शव पर पहचान के नाम पर सिर्फ एक टैटू मिला है। सूत्रों का कहना है कि फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम को शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव आमतौर पर पेटेन या आरडीएक्स होता है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि पेटेन है या फिर आरडीएक्स, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मौके से मिले बम की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही इस बारे में बताया जा सकेगा। इस धमाके में जो कथित आरोपी है उसके चीथड़े उड़ गए थे, लेकिन एक टैटू मिला है जिसके सहारे पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ ब्लास्ट की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ पंजाब में सियासी ब्लास्ट भी हो रहा है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने ब्लास्ट के लिए कांग्रेस को घेर लिया है, सरकार की विफलता इसे बताया है। खेद का विषय यह है कि आज पंजाब में एक बहुत कमजोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है, तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकत वालों इस तरह दनिया हरकत की जा रही हैं, उदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नूं भी सुचेत रहना चाहिए। ये जेड़ी जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण ये ब्लास्ट किया गया। ये सारियां चोणां दे मद्देनज़र कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही है। पंजाब सरकार नाम दी चीज नहीं है, तो मैं डीजीपी नूं कहना चाहुंदा है कि डीजीपी का काम आ नहीं है कि जो सियासी वेंडेटा करे, उन्होंने काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जिहड़ा काम आ नहीं कर रहे, मैं स्ट्रोंगली कंडेम करना तो कहना चाहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है। जिन्ने देर रहूगी उन्ने दिन पंजाब का नुकसान होगा। और पंजाब की खुफिया एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अधिकारियों को पहले धमाके की जानकारी दी गई थी, आईएसआई ड्रोन के जरिए ये साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, आईएसआई ड्रोन के जरिए ये साजिश पहले ही रच रही थी और अधिकारियों को ये जानकारी दी गई थी। पंजाब की खुफिया एजेंसी के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। धमाका हो सकता है इसका इनपुट मौजूद था। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, इस घटना के बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक जांच में क्या बात सामने आ रही है। अभिलाषा, एनआईए की टीम मौके के ऊपर पहुंची हुई है और बड़ी ही बारीकी के साथ जांच की जा रही है और जो प्राथमिक जांच की गई है उसमें यही बात सामने आई है कि हाई लेवल का एक्सप्लोजिव इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि कल ही अलग अलग थ्योरियों के ऊपर काम चल रहा था कि हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो या फिर सिलेंडर का ब्लास्ट हो, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ जाँच करने में लगी हुई हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के भी हाई एक्सप्लोजिव देखने के बाद कान खड़े हो गए हैं कि किस तरह से ये एक्सप्लोजिव यहां तक पहुंचा होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है, जो अज्ञात हमलावर ही कहा जा रहा है, जिसके बारे में जो सूत्र भी बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस जो एक्सप्लोजिव को लगाने में लगा हुआ था, लेकिन अचानक ही ये ब्लास्ट हो जाता है और उसके भी हाथ पर एक टैटू का निशान भी मिला है। लेकिन अभिलाषा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पंजाब सरकार जहाँ पंजाब का के डीजीपी जहाँ की सियासत में ही उलझे हुए हैं, जो कि पंजाब की सुरक्षा सबसे ऊपर की सुरक्षा कही जाती है और
अकाली दल विशाल हमने अभी बताया कि पहले ही ये इनपुट दिया गया था, अधिकारियों को ये जानकारी दी गई थी कि ISI ऐसी साजिश रच रहा है। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, क्या इनपुट था और उसके बाद लापरवाही की बात सामने आ रही है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही, आज से कई दिन पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया था कि जो ISI है वो नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और ड्रोन के माध्यम से पंजाब के बॉर्डरों पर लगातार ही हथियारों की खेप भेजी जा रही है, विस्फोटक सामग्री भेजी जा रही है। इससे पहले कई ड्रोन BSF ने भगा भी दिए थे, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो ISI के पास ऐसे चाइनीज ड्रोन मौजूद हैं जो 50 किलोमीटर तक अंदर तक जाकर हथियार और जो नशीले पदार्थ हैं उनको भेज सकते हैं, और हुआ भी यही कि चाहे वो आप फाजिलका लगा लिए, गुरदासपुर लगा लें, जहां अमृतसर के अलग अलग जो बिल्कुल विशाल आप नजर बनाए रखिएगा।